नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 मिनट में बनने वाला पनीर फ्राई बनाएंगे। ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए 100 ग्राम पनीर लिए हैं। पनीर मेरा घर में बनाए हैं और देखिए 1 इंच के आकार में इसे हम काट लिया। आप इसे बड़ा छोटा आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। देखिए 1 शिमला मिर्च लिए हैं, इसे हम लंबाई में काट लिए हैं। 1 प्याज लिए हैं, इसे भी हम महीन महीन काट लिए हैं। और 1 हरी मिर्च लिए हैं, इसे भी हम काट लिए हैं। और देखिए मसाले में हम 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गोलकी पाउडर है और 1/4 चम्मच नमक है और ये चाट मसाला है। देखिए पनीर को हम मैरिनेट करेंगे, इसके लिए ये जो सारे मसाले लिए हैं हम इसमें पनीर में डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे इस तरह से हल्के हाथों से टॉस करके। और इसे हम 1 घंटा के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए 1 घंटा हो गया, इसे हम मैरिनेट करके रख दिए थे। अब हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। कढ़ाही चढ़ा दिए, गरम हो गया है कढ़ाही। उसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाल रहे हैं और 1 चम्मच हम घी डाल रहे हैं। देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें हम पहले प्याज को डाल दे रहे हैं और शिमला मिर्च और हरी मिर्च सभी को हम डाल दे रहे हैं। इसको हम सेलो फ्राई करेंगे। देखिए प्याज और शिमला मिर्च सेलो फ्राई हो गई। इसमें देखिए 1/4 चम्मच नमक डाल रहे हैं क्योंकि नमक हम पनीर को मैरिनेट करने में भी दिए हैं। अब हम इसमें ये जो पनीर मैरिनेट करके रखे थे इसे भी हम डाल दे रहे हैं। इसे हम 1-2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसे हम प्याज और शिमला मिर्च के साथ फ्राई कर लेंगे। इसे हम 2-3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों पनीर फ्राई हो गया है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऐसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों इसे हम सर्विंग प्लेट में हम निकाल लिए हैं। देखिए आप खाकर देख सकते हैं। अब एक बार मेरे तरीके से बनाकर खाकर देखिए दोस्तों। देखिए कितना गोल्डन सुंदर दिख रहा है। दोस्तों आपको देखकर खाने का मन कर रहा है? हमें तो खाने का मन कर रहा है। मैं तो 1 पीस टेस्ट कर लूँगी। और इसे हम नींबू और प्याज के साथ सर्व कर दिए हैं। दोस्तों आप भी मेरे बताए हुए तरीके से पनीर फ्राई बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, और कमेंट भी करिएगा कि ये इंस्टेंट बनने वाला पनीर फ्राई कैसा लगा।